हेलो दोस्तों, आज हम आपको पनीर बेसन चिल्ला सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने चिल्ले के स्टफिंग के लिए एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया है। एक कटोरी हरी धनिया कटी हुई बारीक, एक कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, चार पांच हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और नमक इसमें हम बाद में ऐड करेंगे जब चिल्ले में फिल करना होगा, नहीं तो पानी छूटने लगता है। स्टफिंग बन गई है, अब इसको हम साइड में रख देंगे और चिल्ले के लिए घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड, मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो अच्छे से मिक्स करेंगे। और चलाते रहेंगे, इसमें गुठली ना पड़े। ध्यान रखिएगा घोल ज़्यादा पतला और गाढ़ा ना हो। तो धीरे से धीरे धीरे चलाते रहिए, तो अच्छे से घोल बन जाए। जब गोल सही रहेगा तभी चिल्ला अच्छा बनेगा। तो अब एक घोल बन के तैयार हो गया है, अब इसमें गुठली नहीं है, देखिए। तो फ्रेंड, अब हम चिल्ला बनाएंगे। इसके लिए तावा गर्म हो गया है, अब तेल डालेंगे इस पर। तेल धीरे धीरे तावे पे फैला देंगे ताकि तावा चिकना हो जाए। ऐसे धीरे धीरे इसको हम फैलाएंगे। हिलाते हुए पूरा घोल कर लेंगे। और फ्लेम हाई रखेंगे।
धीरे धीरे किनारे धीरे धीरे किनारे को ऐसे ऐसे उजारते हुए पूरा हम इसको पलटेंगे। किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी रहे। अभी तावे से छूट रहा है, अब इसको हम पलटेंगे। अब ये मेरा चिल्ला हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम नमक डाल के उसमें फिल करेंगे। अब इसको हम इस साइड से इसको फिल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए मेरा चिल्ला बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अभी मेरा बनके तैयार हो गया है चिल्ला। देखिए मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। हम सारे चिल्लों को ऐसे बना लेंगे।